जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 3:34, 3:34 PM, मार्केट अभी सिर्फ 4 मिनट पहले बंद हुआ, ओनली 4 मिनट्स एगो। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर भाई को देख लेते हैं हम लोग। डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है, इसको पढ़ लीजिए। आप इसको पढ़े बिना मेरा वीडियो मत देखिए। ये लीजिए, आपके लिए मैंने जूम भी कर दिया, आप इसको पढ़ सकते हो। इसको पढ़े बिना मेरा वीडियो मत देखिए। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। चलिए, आज क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, 3:34 पे हम ये कोशिश करते हैं चार्ट के द्वारा। तो आज एक दोस्तों क्लियर कट एक रेंज बाउंड डे था, जहां मार्केट की रेंज सिर्फ 60 से 65 पॉइंट की पूरे दिन में बिता दिया निफ्टी ने। तो 60 से 65 पॉइंट अगर आप फ्राइडे को बिता रहे हो, दैट मींस ऑपरेटर को पता है कि यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी होता है तो हमेशा फ्राइडे का, जो वीकेंड का लास्ट डे होता है, वीकेंड का उस दिन डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टॉप पे, तो वो ऐसी छोटी रेंज लाते हैं, यानी कि नेक्स्ट वीक एक बड़ी गिरावट का सिग्नल मार्केट देखे गया, जो कि मैं आज बोल चुका हूँ। आज मेरा 11700 आना था या 750 आना था, लेकिन मार्केट ने ही एक रेंज, बहुत टाइट रेंज, 60 पॉइंट्स, कैन यू इमेजिन 60 पॉइंट्स, जहाँ निफ्टी 12,000 के स्तर पे है, 60 पॉइंट खेलना, यानी कि लेस देन हाफ परसेंट मूवमेंट इन ए डे। 12,000 का आधा होता है 60 पॉइंट, हाफ परसेंट के मूवमेंट में पूरा दिन बिता दिया निफ्टी ने। दैट मीन्स दिस वॉज क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन एट द टॉप, क्योंकि उनको पता कि नेक्स्ट वीक हमको 11300 या 200 या 11100 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वीक का मतलब मेरा 30 तारीख से है, नॉट 29 जो एक्सपायरी। ठीक है, अब आ जाते हैं पहले चार्ट पे। ये मैंने 5 मिनट्स का चार्ट आपके लिए खोल के रख दिया। दिस इज 5 मिनट्स निफ्टी कैंडल स्टिक चार्ट फॉर 2 डेज। 2 डेज मतलब आज का यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये एक गैप अप है। अब आप देखो, इसमें आज यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, ये 9:15 की पहली कैंडल है, जिसका हाई लो आपको ऊपर दिखेगा लिखा हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो सब हाई लो, ये 9:15 पहला कैंडल बना, 957 का ओपनिंग, 970 का हाई, 939 का लो और 966 की क्लोजिंग। अब आप देखो, मार्केट ने सेकेंड कैंडल में आज दिन का टॉप बना दिया। सेकेंड कैंडल 5 मिनट की जो थी वो 974.55। आप लोग को सुबह चाय की चर्चा में मैंने क्या बोला, 980 के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं लगता है, वहाँ जितना ताकत उतना ठोकेगा। लेकिन आज ठोक के भी क्या होता है, आज क्या होता है यार, 60 पॉइंट का तो पूरा दिन ही था। तो ये देखें, 974 आज पूरे दिन का हाई, जो कि 9:20 वाली कैंडल ने बना दिया, 9:20 से 9:25, 5 मिनट की कैंडल। और वही लो कौन सी कैंडल ने बना दिया, देखिए 11:45 तक तो स्टोरी ख़त्म हो गई। 9:20 और 9:25 वाली जो कैंडल है, 9:20 से 9:25 वाली, उसमें हाई बना 11,974 और 11:45 से 11:50 वाली कैंडल में बना 908.75 रुपये का लो, 908.75 माइनस 974, देखता हूँ, माइनस 909, 65 पॉइंट्स में हाई लो है आज का गैप। द डिफरेंस बिटवीन हाई लो ऑफ टुडे इज जस्ट 65 पॉइंट्स, और ये इतने ही देर में सफर पूरा कर लिया, 11:50 तक इसने पूरा सफर कर लिया आज। इसके बाद ना हाई टूटा ना लो टूटा, तो इसको क्या बोलते हैं, डैम बोरिंग डे। डैम बोरिंग डे, किसी का भी पैसा नहीं बन सकता इधर, कितना भी होशियार हो वो, छोटे इतना छोटा अमाउंट के लिए मैं तो नहीं खेलता हूँ, अगर आप 10-20 पॉइंट के लिए खेलते हो तो इट्स अप टू यू। अब उसके बाद इसने एक हिम्मत करके राइज करने की कोशिश की, यहाँ तक गया, और यहाँ तक गया जब उस समय कैंडल कितनी बजे की है वो देख लेते हैं। लेकिन उस जगह उसने क्या बना दिया, साथ में एक शूटिंग स्टार बना दिया टॉप पे। हाई तो नहीं तोड़ पाया, क्योंकि हाई तो 974 का, लेकिन हाई उसने बनाया 968 का, 6 पॉइंट दूर रह गया था, वहाँ एक शूटिंग स्टार बना के नीचे आया और अल्टीमेटली पूरे दिन। अब बाद में ये कितने बजे बना था 968, पहले ये देख लेते हैं, मेरे ख्याल में 1-1.5 बजे बन गया होगा, 1 बजे, ठीक 1 बजे। तो पिक्चर का मैंने आप लोग को बोला था इंटरवल 1 बजे होगा,
इंटरवल पे ये टॉप पे था 968, क्योंकि सुबह का हाई 974। उसके बाद देखो इसकी हालत, 1 बजे से 3:30 बजे तक इसने क्या किया, इसने कभी भी ऊपर आने का हिम्मत नहीं दिखाया। आप देख सकते हो इसने पूरा इस तरह से मूवमेंट किया। क्या किया 1 बजे के बाद, लोअर हाई, फिर लो, ये इसका लोअर हाई एंड लोअर लो 1 बजे के बाद। अगर आप 1 बजे तक एक पिक्चर को बंद कर दो, चलिए मैं इसको थोड़ा सा और एक आपको इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये बहुत गंदा दिख रहा है। अब आपको दिख रहा है ये 1 बजे के बाद की पिक्चर, एक लो बनाया, फिर वापस कोशिश किया लेकिन लोअर हाई बनाया और लोअर लो। 1 बजे के बाद इसने क्या बताया कि मैं लोअर हाई एंड लोअर लो। 1 बजे के पहले भी इसने जो लो बनाया उसके बाद हाई नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब ओवरऑल जो अगर आप रिजल्ट निकालना चाहो तो मार्केट बहुत बड़ा वीक है, और दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें भी ये जो 65 पॉइंट की रेंज है, इसमें भी एक्चुअल रेंज क्या आ रही है, खाली 40 पॉइंट की आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर समय जो मार्केट ने बिताया वो इस ब्लू लाइन के बीच में बिताया, ये दोनों ब्लू लाइन के बीच में, 960 और 920 के बीच में। मतलब मैक्सिमम जो टाइम बिताया मार्केट ने 960 और 920 के बीच में बिताया, यानी कि 40 पॉइंट में पूरा दिन इसने बिताया। आप इन ए नटशेल ऐसा बोल सकते हो कि ओनली इन 40 पॉइंट्स निफ्टी प्लेड इट्स एंटायर डे। ये जो आपको 65 पॉइंट्स बोलो, इसमें तो एक दो कैंडल खाली बाहर बनी है इस ब्लू लाइन के, देखिए ये दो कैंडल बाहर बनी है और उसके बाद तो नीचे में तो खाली एक ही कैंडल नीचे आई है। यानी कि मैक्सिमम जो टाइम है इसने 920 से 960 की रेंज में बिता दिया आज, 920 से 960, ठीक है। अब ये 920 इम्पोर्टेंट क्यों था, ये देखिए पिछले दिन का जो शूटिंग स्टार का यहाँ पे हाई बना था वो 920 ही था, 921 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पिछले दिन का 2 बजे का जो शूटिंग स्टार का हाई था, इसीलिए यहाँ पे इसने कुछ सपोर्ट लिया लेकिन इसको ब्रेक भी किया था। तो अल्टीमेटली ये काफ़ी नीचे आने के लिए पूरा तैयार है, लेकिन अब इसको डेली चार्ट में देखते हैं आज कैंडल कैसी बनी है। चलिए क्या बना, आप खुद को इसको क्लियर कट एक स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, दोनों बाजू इसके वीक है और बड़ा सा रेड कैंडल है। रेड कैंडल क्यों बनता है, क्योंकि आप लोग बोलोगे सर कल से तो ऊपर क्लोज हुआ फिर रेड क्यों बना, रेड का मतलब ये होता है वेन एवर ओपनिंग से अगर क्लोजिंग नीचे हो तो रेड ही बनती है कैंडल, कभी भी वाइट या ग्रीन नहीं बनेगी। नियम सुन लीजिए, मार्केट को ये मतलब नहीं होता कि कल तुम कहाँ पे क्लोज हुए, मार्केट को ये मतलब होता है कि तुम आज ओपन कहाँ किए और क्लोज कहाँ किए। अगर ओपन से क्लोज नीचे होता है तो कलर हमेशा रेड होगा कैंडल का, ठीक है। तो आप देख सकते हो रेड कैंडल फ्राइडे को, और ये स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, टॉप पे इसने स्पिनिंग टॉप बता दिया। अब ये ट्रिपल टॉप अभी तक सस्टेन है, ट्रिपल टॉप कौन सा था जो मैंने आप लोग को बताया था, 12,018, 12,022 और 12,025, ये तीन टॉप्स है। एक टॉप है 12,022, मैं आपको लिंक यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला टॉप है 12,022। लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि 12,100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। ये 12,022 का टॉप है, ये 12,025 का टॉप है, और ये जो कल या परसों बनाया था 12,018 का टॉप है। ये तीनों टॉप ट्रिपल टॉप अभी तक सस्टेन है। मार्केट जब तक 12,025 को नहीं तोड़ता है तब तक तेजी वाले का चेहरे में कोई खुशी आने के चांसेस भी नहीं है। उसके पहले मुझे लगता है नेक्स्ट वीक 30 तारीख तक, नॉट 29, हम शायद क्या 90% तो मैं श्योर हूँ, 110% इस लेवल को टेस्ट करेंगे। ये लेवल 11,250, यहाँ तक निफ्टी मेरा आप लोगों से वादा है कि आना ही आना है 30 तारीख तक। मैंने 300 का बोला आप लोगों को, बिलो 300 तो 250 आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब निफ्टी का जो अगला पड़ाव है ये है। इस पे रुका तो ठीक है, नहीं रुका तो
फिर इसको 10,800 के भी दर्शन करा देंगे मार्केट, 10,800 जो कि 24 सितंबर को एक्सपायरी वाले दिन लो बना था, आपको याद होगा 10,790 का। इस पड़ाव पे रुकना पड़ेगा इसको, अगर नहीं रुक पाया तो ये फिर इस पड़ाव को भी इसी वीक में टेस्ट कर डालेगा अगले वीक, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है, एक हफ्ते में 1,000 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम 11,930 के आसपास क्लोज हुए हैं, वहाँ से 10,900 आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक हफ्ते में मार्केट ने पहले भी करके दिखाया आपको, यहाँ से भी सिर्फ 14 ट्रेडिंग डेज में ये 12,000 पहुँचा है 10,800 से, ठीक है। सो डोंट बी ओवर श्योर कि ऊपर ऊपर के सपने अभी मत देखो, ऊपर आएगा मार्केट ऑल टाइम नया हाई भी बनाएगा दिवाली में, आपको ये भी मैंने आज बता ही दिया है ना, क्यों बनाएगा क्या कारण है सब कुछ डाल दिया था उसमें, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंड कर दिया गया एफ आई का शॉर्ट सेलिंग का बैन, लेकिन पहले वो लोग क्या करते हैं शॉर्ट सेलिंग का जब बैन एक्सटेंड करते तो फिर से अपना माल जमा करने के लिए जगह जगह खाली करते, तो जगह खाली करने के लिए वो क्या करते हैं ऐसी एक गिरावट लाते हैं जो पिछले पिछली सीरीज में भी उन्होंने लाई थी लास्ट वीक पे, ये लास्ट वीक है, लास्ट वीक ऑफ सितंबर सीरीज 800 पॉइंट की गिरावट लाई थी इन्होंने कितने, और फिर 1,200 पॉइंट खींच दिया यहाँ से। तो इस बार भी मुझे लगता है 800 या 1,000 पॉइंट की गिरावट लाएंगे, 1,000 की ला सकते हैं, और 1,000 की लाने के बाद 1,400 पॉइंट खींच दे के नया ऑल टाइम हाई भी बना देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाइए बैंक निफ्टी महाराज का 5 मिनट का कैंडल, वो तो आज निगेटिव ही था पूरा दिन, जबकि बैंक निफ्टी पे बड़े बड़े लोग बुलिश हो रखे थे। चलिए बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी की आज की रेंज है, इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये आज का सुबह 9:20 पे इसने भी टॉप बनाया, और शायद लगभग 11:45 पे इसने भी लो बनाया होगा, देख लेते हैं ये लो का कैंडल का भी टाइम, ठीक है। जैसा निफ्टी ने बनाया 5 मिनट वाले में वैसे ही इसका भी चेक कर लेते हैं, ये 11:45 ही होना चाहिए, फिर मैं टाइम देख के आपको कंफर्म करता हूँ। 9:20 वाली कैंडल में इसने बनाया, ये तो निफ्टी खुल गया यार, क्या आदमी है यार ये, तू भी कहाँ है पागल आदमी, मैं वही सोचा इतना आइडेंटिकल ये है बैंक निफ्टी का। इसका भी देखिए ऊपर खोल के दे दिया सबको धनाधन धनाधन धनाधन, और ये बॉटम कितने बजे बना, 11:45, परफेक्ट है। और इसने तो 9:15 बजे वाली पे ही हाई बना दिया, जो पहली कैंडल थी वही टॉप बनाया उसने, और 11:45 पे बॉटम, उसके बाद आप देखो तो इस रेंज को पार ही नहीं कर पाया, बहुत वीक है बैंक निफ्टी, ज़्यादा वीक है आपको मैं बता देता हूँ। अब आपको बता रहा हूँ, अब बैंक निफ्टी के लिए ये एक रुकावट हो गई है, कौन सा लेवल आप लोग चाहो तो अपने पेन पेपर पे लिख लो, 24,600 बैंक निफ्टी के लिए अब रुकावट का काम करेगा, 25,000 वगैरह भूल जाइए, 24,600 को पार करने में इसके नाना जी दादाजी की ताकत निकल जाएगी अब, 24,600 लिख लो आप लोग। और नेक्स्ट वीक इसका भी टारगेट मैं आपको दे देता हूँ अब डेली चार्ट से, वीक मतलब 30 तारीख तक याद रखिएगा, नॉट 29, आप लोग की एक्सपायरी 29 को होगी लेकिन मेरी वीक 30 को ख़त्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपको बैंक निफ्टी बिल्कुल आराम से यहाँ तक आ जाएगा, ये लेवल क्या है 22,025, 22,100 तक आप टारगेट लेके चल सकते हो नेक्स्ट वीक का, 22,100 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका 25,200, 250, 25,250 आपका स्टॉप लॉस, नेक्स्ट वीक का टारगेट आपका हो गया 22,100 मिनिमम, कितना हो गया 22,100 आपका मिनिमम टारगेट है 22,100, यहाँ तक तो इसको एट एनी कॉस्ट आना ही चाहिए नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक यानी 30 तारीख तक। तो इसके ऊपर 25,250 के ऊपर निकल गया ये, यह यहाँ आएगा, सॉरी 250 वो वाला कैंडल है ना, सॉरी ये आपका स्टॉप लॉस है, और
महाराज जी तो अभी स्टॉप लॉस से भी काफ़ी दूर है। तो ये आपका आज का अगला वीक का टारगेट है 22,100। देखते हैं राइट होते कि नहीं। 22,100 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया मैंने, लेकिन आज है 24,600 के आसपास चल रहा है। आज का क्लोजिंग क्या देख लेते हैं। आज का क्लोजिंग तो आई है ना, तो मैं 22,100 का नेक्स्ट वीक का टारगेट दे रहा हूँ। 24,478, और मैं बहुत छोटी सी बात बोल रहा हूँ, 24,600 के ऊपर इसको एक घंटा टिकना बहुत मुश्किल है। फिर भी आपका स्टॉप लॉस 250 का है, 25,250 का, और आपका टारगेट है 22,100 नेक्स्ट वीक का। लेकिन इंट्राडे में मुझे लगता है ये 24,600 को भी पार करने में बहुत दिक्कत होगी इसको, मंडे को भी, ठीक है। तो अभी 24,478 पे बंद हुआ है, 24,478, एंड माय टारगेट इज़ 22,100, दैट इज़ मोर देन 2,400 पॉइंट, अराउंड 2,400 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ गिरावट का बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक। और बिना डरे दे रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता है इसके बारे में, होगा ही होगा। चलिए तो बस अभी व्हाट हैपेंड को यही ख़त्म करता हूँ। काफ़ी बड़ा 17-18 मिनट का वीडियो बन चुका है, आप लोग के लाइक्स धमाधम आने चाहिए और प्यार ऐसे ही मिलते रहे। और बाकी वेबिनार है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, उसके बाद वेबिनार कब होगी आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि मैं नेक्स्ट मंथ वेबिनार रखूँगा या नहीं रखूँगा। तो इसको आप लास्ट वेबिनार भी एक बार के लिए समझ सकते हो, 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर, दो दिन की होती है, शाम को 4 बजे से रात को 10 बजे तक के लिए होती है दोनों दिन, और आपको जूम ऐप पे होती है, जूम ZOOM, जूम ऐप पे आप मोबाइल से भी लॉगिन कर सकते हो और लैपटॉप से भी कर सकते हो, डेस्कटॉप से भी कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट, जहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है वो लोग बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करें प्लीज़। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।